दोस्तों नमस्कार। आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन आपके दो कानों के बीच में है, आपका दिमाग। कोशिश करिए कि आप दिमाग का इस्तेमाल कर पाए, ना कि दिमाग आपका इस्तेमाल करें। कुछ लोग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, लेकिन जब वो नौकरी करते हैं तो सफल रहते हैं। ऐसा क्या कारण है, ये जानेंगे आज। और दूसरा, हम बात करेंगे डिसिप्लिन की, कि नौकरी में ज़्यादा डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है या बिजनेस में ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए इंसान को। तो पहले बात कर लेते हैं हम नौकरी की। जब भी कोई नौकरी पे ड्यूटी पे जाता है तो वो सबसे पहले सुबह उठकर तैयार होकर फॉर्मल ड्रेस पहनकर अपनी जॉब पर पहुँचता है और वक्त पर पहुँचता है, क्योंकि वहाँ पर उसको अटेंडेंस देनी होती है। इसके बाद दिन भर का जो शेड्यूल होता है वो बहुत क्लियर होता है। बॉस ने काम दिया होता है, चाहे आप एडमिन में हो, प्रोजेक्ट में हो या सेल्स में हो, सबके अपने अपने टारगेट होते हैं, उन टारगेट्स को पूरा भी करना पड़ता है। अगर आप अपने टारगेट से चूक जाते हैं तो आपको वार्निंग भी मिलती है, लेकिन अगर बार बार आप अपने टारगेट से चूकेंगे तो शायद आपको नौकरी से निकाला भी जा सकता है। और टारगेट पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। आप कितने भी सीनियर हों, आपका कोई ना कोई बॉस होता है और वो आपसे रिपोर्टिंग लेता है कि आपने टाइम पर ये काम किया या नहीं किया है। तो टारगेट पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, जॉब आपकी तभी सिक्योर रहेगी जब आपने टाइम से काम करके मैनेजमेंट को दे। और ये काम आपको एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता नहीं करना है, ये आपको तब तक करते रहना है जब तक आप नौकरी करते रहेंगे। अगर आप छुट्टी पर होते हैं तो भी आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए, ताकि कोई आपसे बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं। तो आपकी जो जिम्मेवारियां हैं नौकरी करने के वक्त, वो 24/7 हो जाती है, और ये हम सबको निभानी पड़ती है जो लोग जॉब करते हैं। दोस्तों नौकरी की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं बिजनेस की। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम खुद मालिक होते हैं, खुद बॉस होते हैं। कोई हमें पूछने वाला नहीं होता है, कोई हमें किसी को जवाब नहीं देना होता है कब हम जा रहे हैं, कब हम आ रहे हैं। यहाँ पर आपको सेल्फ डिसिप्लिन रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं, आप वक्त पर ऑफिस पहुंचते हैं, उसी तरह से जिस तरह से नौकरी भी जाते हैं, सुबह तैयार होकर प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपका स्टाफ आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपके क्लाइंट आपकी इज्जत करेंगे, आपको काम देने से हिचकिचाएंगे। दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको उस देश के हिसाब से अपना वर्किंग आवर तय करना होता है, लेकिन अगर आप भारत के साथ बिजनेस कर रहे हैं, भारत में बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका नॉर्मल टाइम 10 to 6, 10 to 7 होता है। आप 10 बजे अपना ऑफिस ऑन करना चाहते हैं, अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं तो आपका फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए, आपका व्हाट्सएप ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, उसको कुछ जानकारी चाहिए और आपने उसको जानकारी देने में वक्त लगा दिया तो वो कस्टमर किसी दूसरे के पास चला जाएगा। मार्केट में इतना कंपटीशन है कि आप ये सोच नहीं सकते कि वो कस्टमर आपके साथ कितना रिटेन कर पाएगा। और अगर आप 10 बजे तक तैयार नहीं होते अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए तो आपका ही क्रेडिबिलिटी कम होती है और आपके हाथ से बिजनेस निकल भी जाता है कभी कभी। तो कोशिश करिए कि आप वक्त पर अपने फ़ोन को ऑन करें, व्हाट्सएप को ऑन करें और उस पर नज़र रखें कि किसकी क्या क्या इंक्वायरी आ रही है। ये जो डिसिप्लिन है ये आपको मेंटेन रखना है, और इसके साथ साथ आपका जो स्टाफ है वो भी इसको मेंटेन रखेगा आपको देखते हुए। तो कोशिश ये करें कि अपने बिजनेस में जो टारगेट बनाने हैं उसको वक्त पर कंप्लीट करें और अचीव करें, ताकि आपके साथ साथ आपकी कंपनी की ग्रोथ भी बनी रहे। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप बिजनेस में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं लेके आते हैं, तो बॉस आपका ये बिजनेस 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल के बाद बंद हो जाएगा, और आपकी जो जीवन भर की जमा पूंजी है या आपने लोन लिया होगा वो सब बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों हमें डिसिप्लिन ज़्यादा रहने की ज़रूरत है बिजनेस में। नौकरी में तो एक्चुअली आपको बना दिया जाता है डिसिप्लिन में, क्योंकि आपको सैलरी चाहिए होती है, लेकिन बिजनेस आपकी खुद की ग्रोथ के लिए होता है। बिजनेस आप खुद की ग्रोथ के लिए करते हैं और नौकरी जो है वो आप किसी दूसरे की ग्रोथ के लिए करते हैं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।